सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज की वीडियो के अंदर कुछ खास नहीं है, काफी बैड न्यूज है क्योंकि जसप्रीत जो मेरी बहन है वो एडमिट हो गई है हॉस्पिटल में। इसी वजह से हम कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। मदर्स डे वाले दिन मैंने कुछ भी अपलोड नहीं करा, ना हम कहीं गए क्योंकि उस दिन हम सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे। और अब फाइनली वो एडमिट हो गई है, तो आज ही एडमिट हुई है, अभी 2-3 दिन लगेंगे। कोई इन्फेक्शन हुआ है स्टमक में? कौन सा इन्फेक्शन है? खाना ना खाने का इन्फेक्शन है। खाना नहीं खाती है ठीक से, बहुत कम खाना खाती है। दाल भी पूरी नहीं खाती, चावल भी पूरी नहीं खाती है, ना अंडे खाती है। वो डाइजेस्ट नहीं होता। उससे पहले अगर तूने वो चीजें खा के मेंटेन रखा होता, अपना इम्यून सिस्टम सही होता है इसका, अगर इसने पहले से ऐसे करके रखा होता तो। बट अब फिलहाल ठीक हो जाएगी, ठीक है। और मैं आपको मिलवाता हूँ उससे। हम भी अभी थोड़ी देर पहले आई है। कैसे हो? ना ही नहीं है 4 दिन से। देख लो गाइस, ये घर से हम कंबल लाए हैं। वीडियोस में मुझे लगता है मैं अच्छे से और खुशी से आती हूं। हर किसी में भी कोई मेरे साथ या तो धोखा हो रहा होता है या तो कुछ ना कुछ हो रहा होता है। सो गाइस, आपको एक छोटा सा एक रूम टूर करवाता हूं। हॉस्पिटल का रूम है कैसा? ओके जी, तो यहां पर इसकी ये रिपोर्ट्स पड़ी है, पानी की बोतल, ये रूम है, एक फैन है, एक एसी है, एक टीवी है। पेशेंट इधर लेटा, टीवी उधर है, बताओ कैसे देखेगा वो? तेरे को ऐसे लेटना चाहिए था। फिर ये भी उधर नहीं है, उस साइड नहीं है। और बाकी ये इंजेक्शन पड़ा हुआ है इसका, अभी वो जो लगना है इसको जूस है भाई, ये मैं पी लेता हूँ अभी। तो पीछे वॉशरूम है, वॉशरूम दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब मम्मा गई है घर पे खाना बनाने के लिए, मैं यहाँ पे रुका हूँ, जिम से आया हूँ अभी। मेरे को मम्मी भी आ जाएगी 1-1.5 घंटे में, और आज यहीं पर सोएगी और मैं घर चले जाऊँगा। और अभी इसको 2-3 दिन कितने दिन लगेंगे तेरे को? मिनिमम 3 डेज तो अभी यहाँ पे लगेगी इसको, एडमिट रहेगी। तो चलो हम यहाँ बैठते हैं, अपना जूस पीते हैं, अपना ब्लॉग एडिट करते हैं। सो गाइस, जसप्रीत कुछ खा नहीं रही है, बस टमाटो सूप पी रही है क्योंकि मेरे को सॉफ्ट डाइट और कोई भी डाइट जिसमें सॉलिड। ये क्या है? ये तेरे को दिखाना जरूरी है? कुछ नहीं खाना, मेडिसिन भी नहीं। कमजोर हो गई जसप्रीत पहले से। क्या यार, बाइसेप्स कम हो गए इसके। बंदर मिलता है, देख रहे हैं इस बंदर की हालत। ये जंगल से बाहर आ चुका है। ये जंगल से बाहर आ चुका, इसकी तबीयत, इसकी टांग ही मुड़ चुकी है। बिजली का झटका लग रहा है, पता नहीं ये कितने दिन तक चलेगा। ऐसे कर रहा है तुम लोग मेरे लिए फ्लावर्स नहीं लेकर आए? कैसे भाई बहन हो तुम? मतलब फ्लावर्स क्या कर रहे हैं? हम पानी लाए हैं, हम पानी लेकर आए थे। मना मेरे को, अब तो तुमको पहले बता दे। क्यों मना मेरे को? तो फिर मजे से चल रही है। क्यों किए थे? चल हम तेरे लिए कल फ्लावर लेकर आए। पार्क में से तोड़ के ले आऊंगा। या खाली सादा पानी भी दे सकते हैं अभी फिलहाल? अभी सर आ जाते हैं तो पूछेंगे दे सकते हैं नहीं दे सकते। इंजेक्शन तो नहीं है? अभी थोड़ा रुक, अभी भी ले, अभी थोड़ा रुक के। क्यों? अभी अभी तो ठीक है वीडियो नहीं बना। अभी पता नहीं क्या हो गया था, वो मैम ने मना कर दिया, कह रहे वीडियो नहीं बनानी। पता नहीं कौन सा इंजेक्शन रख के गए हैं यहाँ पे इतना मोटा। मम्मा भी गई है घर पे और मैं जिम से यहीं आ गया था, तो मैंने ग्रीन चीज चौक से मंगवा लिया थोड़ा सा खाने के लिए। बाय बाय, सुबह मिलते हैं। अब मैं घर जा रहा हूँ, मम्मा आ गई है। बाय बाय। तो गाइज, अब बारी है घर जाने की। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कब जसप्रीत ठीक होगी। जब वो ठीक होगी तभी घर के अंदर थोड़ा रौनक मिला लगा रहेगा, नहीं तो मैं भी हमेशा बाहर ही रहता हूँ ज़्यादातर। और बड़ी वाली वैन ज़्यादा बोलती नहीं है, वो चुप चुप रहती है। छोटी वाली वैन थोड़ी ये वाली चुलबुली है, मतलब मेरे से तो बड़ी है पर घर में थोड़ी छोटी है।
तो थोड़ी चुलबुली ये बातें बातें करती रहती है, हंसाती रहती है हमें। अब भगवान करे बस जल्दी ठीक हो जाए, घर जाऊंगा मैं। मैं रुकने में यहाँ पे रुक सकता था, बट सुबह 7-8 बजे डॉक्टर आ जाएगा और मैं पता है फिर लेट उठने वाला हूँ सो के। इसकी वजह से मम्मी ने कहा तू घर ही चले जा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं सो रहा हूँ, अच्छा लगेगा सुबह डॉक्टर आएंगे तो। घर पे आ चुका हूँ और बात ले लिया है, तो मम्मी ने जो खाना बनाया था मम्मी बना के चले गई थी, दाल चावल और दही, सो अपने आप डाल के अपने आप खाना पड़ रहे हैं। गाइस ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है जब अपने ऊपर जिम्मेदारियाँ पड़ती है। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कब हम बड़े होंगे, मेरी जॉब लगेगी, फिर मैं घूमने जाऊँगा अपने पैसों से। घूमना तो सही है, इन्जॉयमेंट रहती है, जितनी इन्जॉयमेंट होती है उतनी ही टेंशन, उतना ही पेन और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो अगर आप अभी अपने बचपन में हो तो बहुत बेस्ट लाइफ जी रहे हो, बड़े हो जाओगे तो ये मत सोचना सिर्फ अपनी मर्जी चलेगी, अपने टाइम से आओ अपने टाइम से जाओ, घर से कहीं भी ट्रिप मार लो घूमने का। तो जितने बड़े होते रहोगे उतनी जिम्मेदारियाँ बढ़ती रहेगी और टेंशन बढ़ती रहेंगी। अब खाना खाते हैं। वैसे खाना डालने में तो बहुत अच्छा हूँ मैं, देखो कितनी सजावट से डाले। 2000 years later. तो गाइस आज नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी मैं घर पे आया हूँ जिम से। कल से मम्मा वहीं पर है हॉस्पिटल में, मम्मी शाम को आई थी थोड़ी देर के लिए, खाना वगैरह बना के चलेगी। और अभी सिर्फ मैंने एग्स बॉईल करे हैं, बॉईल करके फिर मैं जाऊँगा मिलने के लिए थोड़ी देर, फिर मैं अभी घर पे आ चुका हूँ क्योंकि ज़्यादा बंदे वहाँ पर रुकने अलाउड नहीं है। तो अभी सिस्टर तैयार हो रही है बड़ी वाली, वो और मैं दोनों मिलने जाएंगे और आज हाल चाल पूछेंगे कैसे हैं। अभी उनको अभी 2 दिन और लगेंगे उनको वहाँ पे, 2 या 1 दिन लगेंगे। जसप्रीत के लिए फ्लावर्स ले रहे हैं, थोड़ा उसको पॉजिटिव लगेगा, अच्छा लगेगा उसको कि हम उसके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि कल भी लेकर नहीं आए थे हम। कल भी सिर्फ घर पे चावल बने थे, आज लगता है कुछ बनेगा नहीं तो हम बाहर से बिरयानी ले रहे हैं। बिरयानी खाएंगे आज, मैं भी बिरयानी खाऊंगा, पापा भी, बहन भी। और अभी हम हॉस्पिटल जाएंगे, मम्मी थोड़ी देर घर पे जाएगी थोड़ा घर का काम वगैरह करके, फिर मम्मी आ जाएगी, मम्मी वहीं पर सोएगी रात को, फिर हम घर जाएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है गाइस, पता नहीं कब ठीक होएगी दीदी, जल्दी ठीक हो जाए बस, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। Get well soon. तो मैं यहीं पर खाऊंगा ये फ्लावर्स लिए उसके लिए, अभी उसका हाल देखते हैं कैसा है। अभी वो कल भी रहेगी यहीं पे, कल भी उसे यहीं रहना है अभी हॉस्टल। अच्छा ये ले, इसको ऐसे रख ले साइड में, हाथ खोल। ये कौन देकर गया? ये हमारे बिल्डिंग वाले आए थे नेबर्स, चाय भी देकर गए। चाय का ढक्कन नहीं खुल रहा था, अभी जब मैं आऊँ तब खोला मैंने। मैं बिरयानी खा लूँ बस, मेरे को घर में है खुद बिरयानी खाने, ये पार्टी हो रही है। पूरा कप अपने पास है। गेट वेल सून। क्या कहा फिर आज डॉक्टर ने? ये वीडियो यहीं तक थी, जैसी जसप्रीत घर पे आएगी तो भी ये ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे हम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।